शासकीय कुसुम महाविद्यालय की आईडी से आम आदमी पार्टी की पोस्ट डालने के मामले में 4 दिन बीत चुके हैं। महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा इसकी शिकायत भी सिवनी मालवा थाने में की गई थी, परंतु अब तक किसी भी दोषी पर कार्रवाई नहीं की गई है। आम आदमी पार्टी की पोस्ट डालने के मामले में कांग्रेस नेता समीर शर्मा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि बात तो उन्होंने सही कही है, पर बेहद शर्मनाक है कि अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं कि कॉलेज जैसे संस्थान को भी, जहां पर ऐसा कभी नहीं होता था, जो शिक्षा का मंदिर है, वहां भी अगर राजनीति चली तो ये इनकी नाकामी है। भाजपा का प्रशासन फेल है। तत्काल से उस आईडी की जांच करके प्राचार्य पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन बीजेपी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्राचार्य को बचाने के लिए मंत्री तक चले गए होंगे, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई है। वहीं इस मामले में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा भी विगत दिवस कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन भी दिया गया था, जिसके बाद महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा छात्रों पर भी दबाव बनाया गया था, जिससे कार्यकर्ता भी नाराज हैं। वहीं छात्र नेता इसकी शिकायत उच्च शिक्षा विभाग से भी करने की योजना बना रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होती है या मामले को दबा दिया जाएगा। मैंने भी देखी वो फेसबुक आईडी पे, उन्होंने लिखा है कि ऐसी सरकार बनाओ जो कर्मचारियों के हित में हो, और उन्होंने आम आदमी पार्टी का उसमें वो दिया है। तो बाकी बात तो उन्होंने सही बोली कि कर्मचारियों के हित में सरकार हो, ऐसी लाओ, लेकिन ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक अधिकारी इतने निरंकुश हो गए हैं, एक कॉलेज जैसे संस्थान को भी, जहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता था, जो शिक्षा का मंदिर है, वहाँ भी अगर राजनीति चली गई है तो ये इनकी नाकामी है। ये बिल्कुल पूरी तरीके से भाजपा का प्रशासन फेल है, और तत्काल से उस आईडी की जांच करके वो प्रिंसिपल पे कार्रवाई होना चाहिए थी, लेकिन बहुत से बीजेपी में ऐसे लोग हैं जो प्रिंसिपल को बचाने के लिए सामने खड़े होगा होंगे, मंत्री तक चलेगा होंगे, इसलिए कार्रवाई नहीं हो पाई।